Hello everyone, I am Dr. Kavita Singh. I am practicing as a woman health physiotherapist. I am a certified lactation counselor, childbirth educator, pre and postnatal fitness instructor and a गर्भ संस्कार coach. आज हम बात करेंगे निप्पल शील्ड के बारे में. आई एम श्योर जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उन्होंने निप्पल शील्ड के बारे में उनके ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में कभी न कभी सुना ज़रूर होगा. मे बी बिकॉज यू नो योर फ्रेंड इज़ यूजिंग और सम अदर मदर इज़ यूजिंग या आपके किसी रिलेटिव ने आपको सजेस्ट किया होगा या आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट ने आपको सजेस्ट किया होगा या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया होगा. तो आज हम बात करेंगे निप्पल शील्ड के बारे में, एवरीथिंग अबाउट निप्पल शील्ड, when to use, how to use, when to avoid it, क्या इसके pros हैं, क्या इसके cons हैं, कैसे इसे clean करना है, कितने time के बाद इसे replace करना है, क्या इसे use करना ठीक है कि नहीं, किस cases में इसे use किया जाता है. तो I will try to answer all your questions about nipple shield. I will try to clear all your doubts about nipple shield. तो चलिए video start करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पल शील्ड होती क्या है. सो बेसिकली निप्पल शील्ड जो है ऐसे बॉक्स में आपको अवेलेबल होती है. ये सिलिकॉन निप्पल्स होते हैं बेसिकली. सो सिलिकॉन के निप्पल होते हैं, इस तरह के कुछ निप्पल्स होते हैं ये, ठीक है. सिलिकॉन का निप्पल होता है ये, आर्टिफिशियल निप्पल एक तरीके से. तो ये एक लेयर ऑफ निप्पल है ऑन योर ब्रेस्ट, ठीक है. तो ये सिलिकॉन का होता है, आर्टिफिशियल निप्पल आप इसे कह सकते हैं. इसे कहते हैं निप्पल शील्ड. सो निप्पल शील्ड जो है यूजुअली जो है सिलिकॉन की आती है. अलग अलग ब्रांड में अलग अलग तरह के शेप्स, साइज एंड डिजाइन्स अवेलेबल है बेसिकली. तो एक होती है कि नो कॉन्टैक्ट निप्पल शील्ड, जिसमें पूरा सर्कल बना होता है और निप्पल होता है आपका, जैसे इसमें आपको दिख रहा है दो कर्व पार्ट है जो हमारी नो कॉन्टैक्ट वाली होती है, उसमें पूरा सर्कल होता है. देन कुछ ब्रांड्स में क्या होता है, एक ही जो है उसमें कर्व होता है, नीचे जो है पूरा सर्कल यहाँ से सेमी सर्कल बना होता है. और कुछ ब्रांड्स में इस तरीके से आते हैं जिसमें दोनों तरफ जो है आपको कर्व पार्ट दिखता है जो कि इस तरह की शेप में होता है. तो इस तरह के अलग अलग आते हैं. अगेन निप्पल में भी किसी में आपको जो है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको दो होल्स दिख रहे हैं, किसी में होल्स नहीं होते, किसी में थ्री होल्स होते हैं. निप्पल का साइज एंड निप्पल का शेप भी हर ब्रांड में अलग होता है. तो प्लीज़ 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 कंसल्ट योर लैक्टेशन कंसल्टेंट. अपने ब्रेस्ट को असेस करने के बाद ही आप जो है किस ब्रांड का निप्पल शील्ड, किस साइज का निप्पल शील्ड आपके बच्चे के साथ वर्क करेगा, उसके बाद ही निप्पल शील्ड खरीदना है. ऐसे ही कोई भी निप्पल शील्ड नहीं खरीदना है, क्योंकि आपके बच्चे के माउथ ओपनिंग पे, उसके ओरल असेसमेंट के पे, उसके यू नो ओरल ओरोमोटर फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वेदर निप्पल शील्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं. Also, please consult your lactation consultant before using nipple shield. क्योंकि nipple shield जो है वो हमेशा last option होती है. उससे पहले कई steps होते हैं, कई treatment options होते हैं. जब कुछ भी work नहीं करता है तभी मैं personally अपने patients को तभी nipple shield recommend करती हूँ, क्योंकि इसको फिर आपको wean भी करना होता है. तो चलिए ये तो थी nipple shield की बात. अब आगे